नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोहा चिवड़ा, जिसे कि हेल्दी चिवड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम फेस्टिवल डेज में बनाते हैं, लेकिन आप इसे रेगुलर डेज में भी बनाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ईजी से पोहा चिवड़ा को बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम इसमें पतला वाला पोहा डालेंगे। दो तरह के पोहे मिलते हैं, जाड़ा पोहा, पतला पोहा। इसमें हम पतला पोहा यूज़ करते हैं। इसे कढ़ाई में डालें और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से कुरकुरे ना हो जाए। करीब 4 से 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी नाश्ता है ये। जब भी भूख लगे या छोटी छोटी भूख के लिए आप इसे बनाकर रख सकते हैं। आप देखेंगे जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हल्के से श्रिंक हो जाएंगे। तो हमें इसी तरह से रोस्ट करना है। 2 मिनट हो चुके हैं कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी श्रिंक भी हो गए हैं और उनका हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें राई डाल के राई तड़का लेंगे। राई जैसे ही तड़केगी हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही में हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे और ये भुना हुआ डाला, जिसे चना भी कहते हैं, इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि ये फ्राई भी हो जाएं और रोस्ट भी हो जाए। जो हमने हरी मिर्च डाली है उसका काफ़ी तीखापन इस तेल में आ जाता है। जब ये चिवड़ा बन जाए तब हरी मिर्च निकाल के आप फेंक सकते हैं ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। यदि आपको यहाँ पर लहसुन पसंद है तो लहसुन की कलियों को छिलके समेत ही हल्का सा क्रश कर लें और इसमें डालें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप देखिए मूँगफली यहाँ पर चटकने लग गई है, तो यानी ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कोकोनट डालेंगे। ये सूखा नारियल है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था। इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले के लिए मैंने इसमें एकदम बेसिक मसाला लिया है, जैसे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में ये हल्दी पाउडर और नमक। इन्हें हम तेल में अच्छे से पका लेंगे। ऐसा करने से हल्दी का कलर काफी अच्छा आता है चिवड़े में। अच्छे से ये मिल गया है, पक गया है। अब हम इस पर रोस्टेड पोहा डाल देंगे। फ्लेम को लो पर रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप इस चिवड़े को बनाएं हमेशा कढ़ाई को बढ़ा लें, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे काफी हिलाना पड़ता है। इस समय आप जितना इसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा चिवड़ा बनेगा। तो आप देख सकते हैं चिवड़े और सभी चीज़ों पर मसाला अच्छे से कोट हो चुका है और हमारा ये एकदम झटपट से बनने वाला चिवड़ा तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करके आप किसी भी डिब्बे में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं करीब 10 मिनट में हमने ये हेल्दी पोहा चिवड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। इसे आप बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।